अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें हैं, कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें मेडिकल ग्राउंड पे अंतरिम जमानत दी गई है कुलदीप सेंगर को। 20 दिसंबर तक उन्हें ये जमानत दी गई है। आपको बता दें 10 साल से सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर। जज मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें जमानत दी है। इससे पहले भी उन्हें 2 हफ्ते की जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद से अभी खबर आ रही है कि कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए मेडिकल ग्राउंड पे अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दें कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह राहत दी है, मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें अंतरिम राहत दी गई है और उन्हें जमानत दिया गया है। 20 दिसंबर तक उन्हें यह जमानत दी गई है। 10 साल से सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर। मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें यह जमानत दी है। इससे पहले भी उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दी जा चुकी है। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें हैं, कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें मेडिकल ग्राउंड पे अंतरिम जमानत दी गई है कुलदीप सेंगर को। 20 दिसंबर तक उन्हें ये जमानत दी गई है। आपको बता दें 10 साल से सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर। जज मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें जमानत दी है। इससे पहले भी उन्हें 2 हफ्ते की जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद से अभी खबर आ रही है कि कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए मेडिकल ग्राउंड पे अंतरिम जमानत दी गई है। आपको बता दें कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह राहत दी है, मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें अंतरिम राहत दी गई है और उन्हें जमानत दिया गया है। 20 दिसंबर तक उन्हें यह जमानत दी गई है। 10 साल से सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर। मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें यह जमानत दी है। इससे पहले भी उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दी जा चुकी है।